हेलो फ्रेंड्स, मायापुरी न्यूज़ रील के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया शर्मा। आइए देखते हैं इस हफ्ते की एंटरटेनमेंट न्यूज़ फटाफट। करीना की ड्रेस देख भड़के सैफ। When I walked in yesterday after the event, he was like, "What are you wearing?" I was like, "It's really nice." Everybody said, "He was like, no." He's like, "Why aren't you like just wearing normal clothes?" He's like, "Go change and come." हीरिये गाने का मेकिंग वीडियो। फिल्म रेस 3 हीरिये सॉन्ग के इस मेकिंग वीडियो में सलमान खान और जैकलिन फर्नांडिस सॉन्ग की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान वो काफी मस्ती करते हुए भी दिख रहे हैं। वरुण से स्मार्ट आलिया। वरुण धवन और आलिया भट्ट पहुंचे टीवी शो सबसे स्मार्ट कौन में, जहां आलिया और वरुण के बीच हुए मुकाबले में वरुण को 3 पॉइंट मिले, वहीं आलिया को 6 पॉइंट मिले। वरुण ने कहा, आलिया ऑलरेडी स्मार्ट है। गे रिलेशनशिप में विकास गुप्ता। विकास गुप्ता एक बार फिर गे रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है। विकास का उनके एक्स बॉयफ्रेंड पार्थ से दोबारा पैचअप हो गया। एक वीडियो में विकास और पार्थ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। हर चुंबन की कीमत है। इमरान बताते हैं कि फिल्मों में किस करना उनके पेशे का एक अहम हिस्सा है। ये बात शादी से पहले उन्होंने परवीन को बता दी थी। जब भी इमरान किसी फिल्म में किस करते हैं तो परवीन के पास एक महंगा बैग पहुंच जाता है। फिल्में बनाएंगे आनंद सोनम आहूजा। आनंद आहूजा फिल्म निर्माण में आना चाहते हैं, इसलिए संभव है कि सोनम की बहन रिया कपूर के प्रोडक्शन की अगली फिल्म की जिम्मेदारी आनंद आहूजा को दे दी जाए। जल्द बनेगी राउडी राठौर 2। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म राउडी राठौर के सीक्वल राउडी राठौर 2 की स्क्रिप्ट तैयार है और इसे सिर्फ इसके सह निर्माता संजय लीला भंसाली की स्वीकृति मिलने की जरूरत है। बोल्ड सीन पर ससुराल का रिएक्शन। फिल्म में बोल्ड सीन पर सोनम कहती है, मेरे घर वालों या ससुराल वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा काम है। ससुराल की तरफ से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। नेपोटिज्म पे बोली प्रियंका। प्रियंका ने कहा, मेरी कुछ शुरुआती फिल्मों से मुझे सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया था क्योंकि मेरी जगह किसी ऐसे को दे दी जाती थी जिसे किसी ना किसी ने रेकमेंड किया होता था। कैसे बने करोड़पति। अब हर जवाब पूरा करेगा एक अधूरा ख्वाब। अब इसके आगे क्या बोलूं, आप ही दीजिए ना जवाब। 6 जून रात 8:30 बजे शुरू मेरे सवाल और आपके केबीसी रजिस्ट्रेशन। फिल्म संजू का ट्रेलर। मुंबई के जुहू में फिल्म संजू के ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म की तमाम स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मौजूद थे। सबने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। सेल्फिश का दीवाना सलमान का डॉगी। सलमान अपने पेट डॉग के साथ घर में टीवी देख रहे थे और एमटीवी चैनल पर उन्हीं के फिल्म का गाना सेल्फिश आ रहा था। सलमान का डॉगी इस गाने के आने पर काफी देर तक निहारता रहा। सलमान ने लिखा, OMG मेरा लव सेल्फिश गाना देख रहा है। गुरुद्वारे में सोनम आनंद। सोनम और उनके पति आनंद आहूजा दिल्ली के एक गुरुद्वारे में गए। दिल्ली के नानकसर गुरुद्वारे में सोनम ने अपने फैंस के साथ सेल्फी भी ली। टीवी पर जिंदगी के क्रॉसरोड्स। जिंदगी के क्रॉसरोड्स में हर एपिसोड में नई कहानी दिखाई जाएगी। राम कपूर इस शो के होस्ट होंगे। इस शो का प्रीमियर 6 जून को होगा। पाकिस्तान में नहीं होगी वीरे दी वेडिंग। पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म में अभद्र भाषा और आपत्तिजनक बोल डायलॉग का प्रयोग किया गया है, इस कारण से इसे बैन किया जा रहा है। चाचा बने वरुण धवन। वरुण धवन की भाभी जानवी देसाई धवन मां बन गई हैं। उनके भाई रोहित धवन और भाभी जानवी लंबे टाइम से पहला बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। बेटी के जन्म से पूरी धवन फैमिली बेहद खुश है। संजय दत्त बनाएंगे फिल्में। संजय दत्त 6 साल बाद जल्द ही तेलुगु फिल्म प्रस्थानम का हिंदी रीमेक बनाएंगे, जिसकी शूटिंग वो मां नरगिस के जन्मदिन के मौके पर शुरू करेंगे। रिद्धिमा को पसंद है आलिया। रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा ने आलिया को गिफ्ट में एक डायमंड ब्रेसलेट दिया है। आलिया ने रिद्धिमा को शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, बहुत अच्छा है, शुक्रिया रिद्धिमा कपूर सहानी इस ब्रेसलेट के लिए। टॉयलेट हीरो अक्षय कुमार। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा अब चीन में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को टॉयलेट हीरो के नाम से 8 जून को रिलीज किया जाएगा। ये इस साल चीन में रिलीज होने वाली 5वीं फिल्म होगी। XXX4 में दीपिका। XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज के डायरेक्टर डीजे कारूसो ने ट्वीट किया, मैं XXX4 का अंत एक बॉलीवुड डांस नंबर के साथ करना चाहता हूँ, निश्चित तौर में इसमें दीपिका होंगी। ईद पर साथ आएंगे सलमान और शाहरुख।
इस साल ईद पर जियो का प्रोमो वीडियो लॉन्च किया जाएगा जिसमें सलमान खान की भी झलक मिलेगी। हालांकि सलमान फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देंगे जैसे शाहरुख खान ने ट्यूबलाइट में दी थी। मायापुरी न्यूज रील के प्रोग्राम वीकेंड एंटरटेनमेंट में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए मायापुरी कट।